दरभंगा में गोलीबारी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, कई सामान भी हुए बरामद। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद मोहल्ले में 15 अक्टूबर रविवार को गोली चलने से तीन लोगों के घायल होने के मामले में पुलिस ने सोमवार को घायल तरुण पासवान के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। पुलिस ने घटनास्थल के अगल बगल लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, इसमें कई आरोपियों की पहचान भी की गई है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ करने के लिए सोमवार को सिटी एसपी विश्वविद्यालय थाना पहुंचे। सिटी एसपी सागर कुमार झा ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घायल आरोपी मोहम्मद सरवर ओला को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। सरवर ओला अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, तबीयत में सुधार होने के बाद उससे भी बयान लिया जाएगा। अगर उसकी तरफ से भी आवेदन दिया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फिलहाल संदेह के आधार पर दो और लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, उनसे वरीय अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही घटना में इस्तेमाल हुई बाइक का मोबाइल भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इस घटना में घायल तीन व्यक्ति खतरे से बाहर हैं। गोली चली थी और दो व्यक्ति घायल थे गोली से, एक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी किया गया था। उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई थी व्यक्ति की, जो उसके घर से हम लोग गिरफ्तार किए थे, उसको कल जेल भेजा गया था और उससे पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे। साथ में जो जख्मी तरुण पासवान थे, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसमें कुछ बातें सामने आई थी, कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। इस घटना में गिरफ्तारी के लिए और जो घटना का कारण है उसको पता करने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, यूनिवर्सिटी थाना के थानाध्यक्ष थे, बेता ओपी प्रभारी, कोतवाली ओपी प्रभारी और टेक्निकल टीम के लोग शामिल थे। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और सभी सोर्सों से जानकारी इकट्ठा करते हुए घटना का वेतन भी कर लिया, कारणों का भी पता लगाया और इसमें दो और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो अरेस्टिंग्स हैं, एक कल जेल गए थे और दो व्यक्ति आज और पकड़ाए हैं। रियाज जो कोतवाली ओपी का रहने वाला है और रवि यूनिवर्सिटी थाना का रहने वाला है, इन दोनों की गिरफ्तारी आज हुई है। एक व्यक्ति और है जिसकी मारपीट कर, जिसको घायल कर दिया गया था वहाँ भीड़ के द्वारा, सर्वर, वो जब बोलने की स्थिति में, बयान देने की स्थिति में आएंगे तो उनसे भी बयान लिया जाएगा, घटना के बारे में और भी डिटेल जानकारी ली जाएगी। पूछताछ और छापेमारी में इन लोगों के पास से, घटनास्थल से कुछ मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं जो घटना में यूज़ की गई थी, मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है, सीसीटीवी फुटेजेस और सीडीआर लोकेशन, टेक्निकल जितनी भी हो सकती है पहलू सब पे जांच करके हम लोगों ने पुष्टि कर ली इस घटना की, जो लोग शामिल थे उसमें ये गिरफ्तारियां हुई है। अभी तीन से चार लोग और अपराधी शेष हैं जिनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना का मूल कारण जो सामने आया है वो जमीनी विवाद ही है। सर्वर जो घायल है, जिसको भीड़ ने मारपीट किया था, उस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज्यारत, 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, गुमराह वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारे, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी इन्वॉल्व।